किसी ने क्या खूबसूरत बात कही है कि बुरा वक्त तो सबका आता है, किसी का जल्दी आता है, किसी का देर से जाता है, पर जल्द उसी का जाता है जो मेहनत करके दिखाता है। नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियाँ ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे कि ज़िंदगी में यदि बहुत बुरा समय चल रहा हो, परिस्थितियाँ बिल्कुल विपरीत हैं, तो घबराना है या उनसे लड़के दिखाना है। एक ऐसी कहानी जो आपको ये सिखा देगी कि बुरी से बुरी परिस्थिति में भी खुद को कैसे संभाल कर चलना है। क्योंकि याद रखिए, परिस्थितियां कभी भी जीवन में एक जैसी नहीं होती हैं। जीवन में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, बस आपकी सोच दृढ़ होनी चाहिए कि आप कठिन परिस्थितियों का सामना किस तरह से करते हैं और क्या आपके अंदर वो काबिलियत है जो आपको हर परिस्थिति से बाहर निकाल दे। तो ये कहानी है बहुत पुराने समय की कि एक व्यापारी ने किसी बड़े धनी साहूकार से पैसा ब्याज पे ले लिया, लेकिन व्यापार में नुकसान हो जाने की वजह से वह साहूकार का पैसा लौटा नहीं पा रहा था। व्यापारी की एक बेटी थी जो बहुत सुंदर थी, लेकिन जो वो साहूकार था वो बड़ा कुटिल था। उसने सोचा कि व्यापारी पैसा तो वापस नहीं कर पा रहा है, क्यों ना इसकी परिस्थिति का फायदा उठाया जाए। उसने व्यापारी को एक सुझाव दिया कि अगर वो अपनी बेटी की शादी उस साहूकार से कर दे तो वो व्यापारी का सारा कर्ज माफ कर देगा। अब व्यापारी बेचारा मरता क्या न करता। उसे लगा कि पूरे परिवार को बचाने के लिए आज उसे अपनी बेटी से ये बात कहनी ही पड़ेगी। उसने अपनी बेटी को सारी समस्या बताई और सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वो साहूकार उस लड़की की उम्र से दोगुनी उम्र का था और बहुत ही कुरूप था। अब उस लड़की के आगे सिर्फ दो ही रास्ते थे। पहला, या तो वो साहूकार से शादी करने से इनकार कर दे और अपने पिता का को कर्ज में ही डूबा रहने दे, और दूसरा ये था कि वो साहूकार से खुशी खुशी विवाह कर ले ताकि उसका पिता और परिवार स्वतंत्रता से रह सके। अब ऐसे मोड़ पर उसे कुछ भी रास्ता उसके सामने नहीं था, बुरी तरह वो फंस चुकी थी। अब उसके दिमाग में अनेकों विचार चल रहे थे, लेकिन उस लड़की ने फैसला लिया। लड़की ने साहूकार के सामने एक शर्त रखी कि यदि वो एक थैला लाए और उसमें दो गोलियां डाल दें, एक सफ़ेद रंग की और दूसरे काले रंग की, और उसके बाद वह लड़की उस थैले से आंख बंद करके कोई एक गोली निकालेगी। गोली अगर काली निकलेगी तो लड़की साहूकार से विवाह कर लेगी और उसके पिता का कर्ज माफ़ कर दिया जाएगा, लेकिन अगर गोली सफ़ेद निकली तो पिता का कर्ज माफ़ तो कर दिया जाएगा लेकिन लड़की को साहूकार से विवाह नहीं करना पड़ेगा। अब साहूकार तुरंत इस बात पर मान गया, जल्दी एक थैला लाया और जब वो उस थैले में गोलियां डाल रहा था तो लड़की ने देखा कि साहूकार ने बड़ी चालाकी से दोनों काली गोलियां ही थैली में डाल दी। अब लड़की अंदर से परेशान हो गई, अब वो करे भी तो क्या करे, यदि साहूकार का भंडा फोड़ भी दे तो उसे उसकी दूसरी चालों से कौन बचाएगा, उसके पिता के कर्ज को कौन माफ़ करेगा। अब लड़की सोचती रही, आगे बढ़ी, उसने में जल्दी से थैले से गोली निकाली, गोली बाहर निकलते ही हाथ से छिटक गई और जाकर नाले में गिर गई। लड़की बोली, माफ़ करना, गोली मेरे हाथ से गिर गई, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, थैले में अभी भी दूसरी गोली तो होगी ही, उसे देख लेते हैं, यदि गोली काली निकली तो मैंने निश्चित रूप से सफ़ेद गोली उठाई होगी और थैले में से गोली सफ़ेद निकली तो मैंने काली गोली उठाई होगी। व्यापारी ने थैले में हाथ डाला तो उसमें काली गोली निकली। व्यापारी बोला, वाह बेटे, थैले में काली गोली बची है, इसका मतलब तुमने सफ़ेद गोली चुनी थी। अब वो साहूकार बेचारा बोलता भी तो क्या बोलता, अगर बोलता तो चोरी पकड़ी जाती, और इस तरह से उसके पिता का कर्ज भी माफ़ हो गया और बेटी ने अपनी लाज की रक्षा भी कर ली। तो ये कहानी बताती है कि जब तक आप समस्याओं के समाधान के बारे में नहीं सोचेंगे, तब तक आप समस्याओं में ही उलझे रहेंगे। अपने विचारों को खुलने दें, थोड़ा हटकर सोचें और ये सोचें कि हर समस्या का हल है, मेरी भी समस्या का कोई ना कोई हल ज़रूर होगा। और जब आप ऐसा सोचने लगेंगे तो यकीन मानिए, आपकी समस्याओं के हल भी मिलना शुरू हो जाएंगे।